बारिश ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। गोरखपुर की राप्ती और रोहिणी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नेपाल के पानी छोड़ने की वजह से ये जल स्तर बढ़ा है। नदियों से सटे बांध पर रहने वाले परिवार दहशत में हैं। रेनकट और फिशिंग कार्य में जुटा है जल शक्ति और पीडब्ल्यूडी विभाग, ताकि लोगों को मदद पहुंचे। 48 घंटे की बारिश ने गोरखपुर में चिंताएं बढ़ा दी हैं। और हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं गोरखपुर से। अनुराग, किस तरह की स्थिति है, बचाव कार्य किस तरह से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 48 घंटे की लगातार बारिश ने गोरखपुर में चिंता बढ़ा दी है। साथ ही साथ गोरखपुर में दो नदियां बह रही है, राप्ती और रोहिणी। आपको बता दें कि नेपाल में जब पहाड़ों में बारिश होती है तो नेपाल पानी छोड़ता है। उस पानी छोड़ने की वजह से राप्ती और रोहिणी दोनों नदियां भर जाती है। काफी इस समय हालात यह है कि नदियां उफान पर है, बाढ़ आने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अगर जलशक्ति विभाग की बात करें तो जलशक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, ये दोनों विभाग ऐसे हैं जो किचन कार्ड और रेनकट को भरने में लगे हुए हैं। ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी कि जब बारिश का समय आता है, जब बिल्कुल प्रशासन जो है राहत कार्यों में जुटा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो आपको बता रहे हैं 48 घंटे की बारिश से जो जल स्तर है नदियों का बढ़ गया है। राप्ती और रोहिणी नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से।